कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है इन 14 लोकसभा सीटों पर, उसका विश्लेषण चंद्रकांत की तरफ से किया जाएगा। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो लगाइए पीसीआर, सबसे पहली सीट कौन सी आती है हमारे सामने, उसका विश्लेषण जल्दी से करते हैं और बताते हैं कि वहां पर किस तरह के रुझान मिलने शुरू हुए हैं या फिर किस तरह के संकेत मिलने शुरू हुए हैं। मोहनलालगंज की सीट सबसे पहले हमारे सामने आ चुकी है। कौशल किशोर भारतीय जनता पार्टी से आरके चौधरी सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। सीधी टक्कर कौशल किशोर और आरके चौधरी के बीच में देखी जा रही थी चंद्रकांत, ये सीट किधर जाती हुई दिखाई दे रही है मतदान के बाद? देखिए, आपने शुरुआत मोहनलालगंज से की है, लखनऊ के ठीक बगल की सीट है। कौशल किशोर लगातार यहाँ पर 2 बार से सांसद थे, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े अभिनव प्रयोग वाली सीट है ये। अनुज जी, यहाँ पर प्रयोग होते रहे, बदलाव होते रहे हैं। 2008 का, जब मुझे याद है अच्छी तरीके से, 2008 में जब परिसीमन हो गया नया, तो उसके जी बाद इस संसदीय क्षेत्र का गुणागणित भौगोलिक दृष्टिकोण सब बदल गया और उसी वजह से कौशल किशोर यहाँ पर चुनाव जीतते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, आरके चौधरी, देखिए पुराने नेता हैं, आरके जी चौधरी बीएसपी में भी रहे हैं, आरके चौधरी सपा में भी इसके पहले भी थे, तो मतलब कई दलों में इनके व्यक्तिगत संबंध काफी अच्छे हैं और आप ये कह सकते हैं कि काफी हद तक निर्विवाद नेता हैं। आपने इनका नाम किन्हीं विवादों में नहीं सुना होगा। मोहनलालगंज की सीट के मतदान को देखने के बाद मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस सीट का चुनाव कांटे की टक्कर वाला है। इस सीट का परिणाम क्या होगा यह आज नहीं बताया जा सकता। हाँ, 2 से 3 दिन बाद इसकी और तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन आज जिस वक्त मैं नहीं, आपसे अगर बात कर अगर रहा हूं, परिणाम नहीं बताया जा पा रहा है या फिर आकलन नहीं लग पा रहा है, तो ये भी अपने आप में जो है कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है कि भाई आकलन ही नहीं लग पा रहा है कि आखिर कौन आगे कौन पीछे है। देखिए मैं तो वो आपसे कह रहा हूं कि आज की तारीख में आकलन नहीं हो पाएगा, लेकिन टक्कर है। कौशल किशोर और आरके चौधरी में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, कड़ा मुकाबला जिसको कहते हैं, और वोटर्स जो है वो बटे हैं। मोहनलालगंज में भी जो थोड़ा सा कस्बाई इलाका है, जो थोड़ा सा डेवलप्ड इलाका है, वहां के वोटर में और खांटी जो देहात खेड़े मजरे का वोटर है, उस वोटर में काफी अंतर देखने को मिला है। मतलब जमीन आसमान का अंतर आप कह सकते हैं कि साफ तौर पर देखने को मिला है। इसलिए मेरी तरफ से जो आपने पहली सीट अभी रखी है मोहनलालगंज, उस पर मैं आपसे कहूंगा कि इंडिया और एनडीए दोनों हाँ, में कड़ा मुकाबला है, कड़ी टक्कर है। 50-50 मान ले चंद्रकांत। बिल्कुल 50-50 मानिए अनुज जी। अच्छा ठीक है, अगली सीट दिखाइए। अगली सीट 14 लोकसभा सीटें हैं, देखिए समय बहुत लगेगा। लखनऊ लोकसभा सीट राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी, रविदास मैहरोत्रा सपा, देखिए सरवर अली बीएसपी। जी इस सीट पर एक लाइन का आकलन है। इस सीट को हाँ आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में रखिए। कुछ सीटें हाँ ऐसी होती हैं जिन पर आप एनालिसिस या गुणागणित नहीं कर सकते। लखनऊ का चुनाव, क्योंकि कम मतदान प्रतिशत हुआ है, इस वजह से लोगों के जहन में तमाम तरीके की थ्योरीज चल रही होंगी, लेकिन लखनऊ में मतदाताओं ने एक और बात अपने जहन में रखी है अनुज जी, और जी वो बात ये थी कि हमारे वोट से कौन सा फर्क पड़ने वाला, जीतना तो उन्हीं को है। ये जो थ्योरी चली है, इसने भी मतदान प्रतिशत को कम किया अनुज जी, और इस वजह से भी यहां का मतदान प्रभावित रहा। लेकिन लखनऊ की सीट नहीं साफ चंद्रकांत, तौर क्या ये पर, कहा जा सकता है कि भाई मत प्रतिशत कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, राजनाथ सिंह जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही बात मैंने आपसे कही, एक लाइन का आकलन यही है कि राजनाथ सिंह क्लैरिटी के साथ ये चुनाव जीत रहे हैं और ये सीट बीजेपी के खाते में आप आज की तारीख से लिख लीजिए। चलिए अगली सीट दिखाते हैं जल्दी से, इसमें ज्यादा कुछ विश्लेषण के लिए है नहीं, ये क्लियर का कट सीट है लखनऊ की, राजनाथ सिंह जीत रहे हैं। रायबरेली सीट, तो ये भी क्लियर कट माने क्या कि राहुल गांधी यहां पर क्लियर कट जीत रहे हैं जैसे राजनाथ सिंह जीत रहे हैं? चंद्रकांत क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? देखिए, रायबरेली की सीट, जिसको आप कह सकते हैं बड़ा दिलचस्प, बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिला है। छटपटाहट छटपटाहट देखने को मिली भाजपा के खेमे में। तमाम वीडियोस सामने आए रायबरेली के, यानी इंटरेस्टिंग इलेक्शन जिसको कहते हैं, वो रायबरेली में देखने को मिला। और राहुल लेकिन गांधी लेकिन आज खुद फिर पहुंच भी गए थे बूथ पर। हाँ, नहीं, ये बड़ा संदेश था और पहुंच गए थे। और मैं अभी एक लोगों से मेरी बात हो रही थी, रायबरेली के ही लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया बाहर तो आदमी कुछ भी बोल रहा है, बाहर आदमी कह रहा है, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह का एक वर्चस्व है अनुज जी रायबरेली के अंदर, तो बाहर तो आदमी खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन जब वो बूथ पर जा रहा है तो वो अपने मूड के हिसाब से वोटिंग कर रहा है। रायबरेली की सीट में मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है। ये बेफिजूल का ड्रामा क्रिएट किया जाए, सीन क्रिएट किया जाए, बताया जाए कि नहीं मुकाबला है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। रायबरेली की सीट क्लैरिटी से बिल्कुल क्लियर कट, आप ये मानिए कि कांग्रेस के खाते में है।
आज चंद्रकांत मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अब तो मार्जिन तय होना है कि कितने अंतर से जीत होगी। यहाँ दिनेश प्रताप सिंह कहीं स्टैंड नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर पाए, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं आपसे कि दिनेश प्रताप सिंह की जो ब्रांडिंग करने की कोशिश हुई, जो पोजीशनिंग करने की बेसिकली कोशिश हुई है, वो हो नहीं पाई है। और रायबरेली की सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस की खाते, राहुल गांधी पर आप डाउट नहीं कर सकते कोई, रायबरेली की सीट पर। लेकिन लोग ये कहेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, दर्शक ये सोच सकते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, अमेठी का चुनाव तो हार गए थे। बिल्कुल देखिए, हमारा और आपका काम स्पष्ट आकलन करने का है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, अमेठी का चुनाव 2019 का चुनाव एक अलग चुनाव था अनुज जी, 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव है। वोटर साइलेंट है, लेकिन सोनिया गांधी का वो इमोशनल भाषण, बिल्कुल उसने आप यकीन मानिए, उसने रायबरेली नहीं, उसने अमेठी के चुनाव को भी बदल दिया है, बदल दिया है। रायबरेली बिल्कुल क्लैरिटी से आप रखिए। हाँ राहुल गांधी ठीक है, अगली सीट लगाइए। अगली सीट कौन सी आ रही है हमारे सामने वो देखते हैं। और अगली सीट जो लगने जा रही है अमेठी, अमेठी का जिक्र कर रहे थे, स्मृति ईरानी। भाई बहुत चर्चा हुई है इस चुनाव में, स्मृति ईरानी की बहुत चर्चा हुई है। जितने भी आप सोशल मीडिया पर देखिए, स्मृति ईरानी की खूब चर्चा हुई, और तब ज्यादा हुई जब केएल शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया। कैसे देखा जाए अमेठी को? मैंने अभी आपसे रायबरेली के साथी जैसे मैं बात कर रहा था, मैंने अमेठी का नाम लिया था कि सोनिया गांधी के भाषण का असर यहां भी हुआ। ये सीट जो है 60-40 में आ गई है। अब आप अच्छा। कहेंगे 60-60 कौन है, 40 कौन है। मैं आपसे एक बात कहूं, फिर आप ये कहेंगे कि बड़ा रिस्की स्टेटमेंट है, लेकिन मैं हाँ आपसे ये कह रहा हूं कि 60% केएल शर्मा और अच्छा 40% स्मृति ईरानी। अच्छा मुझे लगा आप ये कहेंगे कि 60% स्मृति ईरानी। देखिए अनुज जी, आप याद कीजिए, जब केएल शर्मा के नाम का ऐलान अमेठी में हुआ और उसके बाद से लेकर वोटिंग के दिन तक स्मृति ईरानी की बॉडी लैंग्वेज, स्मृति ईरानी के भाषण, स्मृति ईरानी का चुनावी स्टाइल, स्मृति ईरानी की भाषण शैली, हर चीज में अनुज जी बदलाव हुआ है। कोई एक चीज नहीं है जिसमें बदलाव हुआ, हर एक चीज में बदलाव हुआ है स्मृति ईरानी की। और दूसरा, अब मैं अगर आपके पास आ जाऊं 10 सेकंड में, जातीय समीकरण, अमेठी में केएल शर्मा ब्राह्मण, ठाकुर वोटर्स ने गंगा जल हाथों में लेकर कसम खाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बिल्कुल तो आप राकेश प्रताप सिंह पे इतना भरोसा कर लेंगी? आप राकेश प्रताप सिंह पे इतना भरोसा कर लेंगी? आपके बगल की सीट है रायबरेली, वहां पर तीन बड़े नेता हैं ठाकुरों में अनुज जी, जी विधायक अदिति सिंह, पूर्व विधायक आपके धीरेंद्र सिंह और पूर्व एमएलसी राजा राकेश सिंह। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं लड़ा रहे थे, तो क्या सिर्फ अभय प्रताप सिंह के भरोसे पर स्मृति ईरानी चुनाव जीत जाएंगी? बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। दूसरा, अगर अगर ठाकुर वोटर राकेश प्रताप सिंह जोड़ सकते हैं, तो कांग्रेस में भी तो दीपक सिंह एमएलसी हैं, कांग्रेस में बिल्कुल भी तो सही बात दीपक है। सिंह एमएलसी हैं, हाँ तो ये भी लेकिन तो हमको लेकिन समझना लेकिन पड़ेगा। लेकिन लेकिन चंद्रकांत, क्या रायबरेली और अमेठी अगर दोनों को एक ही सीट एक ही तरह देखा जाए, मनोज पांडे फैक्टर काम नहीं किया है क्या यहाँ पर? समाजवादी पार्टी के पुराने साथी रहे हैं, अखिलेश यादव के खासम खास रहे हैं, ब्राह्मण वोट बैंक तो उनके पास भी होगा, उच्चाहार से विधायक हैं। देखिए मैं आपसे कह रहा, रायबरेली के विधायक हैं मनोज पांडे ऊंचाहार सीट के। हाँ आप हाँ जो हाँ सवाल कह रहे हैं कि असर पड़ेगा कि या नहीं पड़ेगा, देखिए मनोज पांडे खुद 2-2 हजार वोट से चुनाव जीते हैं ऊंचाहार में, 2-2 हजार वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। पिछला चुनाव 2022 का जो चुनाव है वो 6 हजार वोटों से जीते हैं वो तो। और मनोज पांडे को, आपको क्या लगता है, मनोज पांडे ने जिस दिन समाजवादी पार्टी से अपनी राहें अलग कर ली थी अनुज जी, और हाँ अखिलेश यादव ने उनको उनके बारे में जो जिस तरीके की बातें कही, उसके बाद से ही मनोज पांडे की प्रासंगिकता बड़ी खतरे में आ गई रायबरेली और अमेठी के अंदर। और केएल शर्मा अमेठी में आज से नहीं है अनुज जी, पिछले 35-40 वर्षों से हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो मनोज पांडे का उतना असर मुझे नहीं लगता अमेठी में पड़ने वाला है। लेकिन मैंने इसीलिए कहा ना आपसे शुरू में, 60-40 का रेशियो मैंने रखा है। हाँ मैं आ, आ, ए, 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 एक तो बीएसपी के वहां समर्थक कह रहे थे कि बसपा तो हाँ बार बार यहाँ हाँ प्रत्याशी बदल देती है, आपने भी वो सुना वीडियो होगा। आया है, देखा है हमने भी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो वो बीएसपी वही का बात, वोट बैंक भी शिफ्ट हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ। काफी हद तक
काफी हद तक। काफी 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 हद तक, क्योंकि देखिए मैं एक बात शुरू से कह रहा हूं, पांचवा चरण आ गया और मैं ये बात दूसरे चरण से बोल रहा हूं कि इस देश में जो दलित समाज का वोट है, जब से इस देश में यह बहस शुरू हुई है कि क्या 400 सीटें पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देगी अनुज जी, तब से दलित समाज की एकजुटता हुई। और क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा, देख ये दोनों बातें गांव गांव पहुंच गई हैं। अच्छा, तो इसका असर तो दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि दलित वोटर्स इस बार, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, दलित वोटर्स इस बार चौंकाएगा, पता नहीं क्यों चौंकाएगा, लेकिन बहुत 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 ज्यादा, बहुत ज्यादा चौंकाएगा। अच्छा ठीक है, अगली सीट पर आ जाते हैं जल्दी से। तीन सीटें हमारी हो गई, चार सीटें हो गई बल्कि। अगली सीट कौन सी है पीसीआर, जल्दी से लगाइए। और उस पर देखिए झांसी सीट आ गई है, अनुराग शर्मा भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है, प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में है, राकेश कुशवाहा बीएसपी से हैं। तो अनुराग शर्मा कितना असर डाल पाएंगे, और रिपीट किया है जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो रिपीट किया है भारतीय जनता पार्टी ने यहां से टिकट, और प्रदीप जैन पुराने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आप सुनने में आया कि अच्छा चुनाव लड़े हैं, लेकिन चंद्रकांत आपका क्या विश्लेषण है इस पर? देखिए अनुराग शर्मा झांसी की राजनीति में बड़े सुलझे हुए नेता हैं, बहुत सुलझे, आप उनकी तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं, बेहद विनम्र, बेहद बेहद शालीन नेता हैं, लेकिन राजनीति में शालीनता और विनम्रता से ही सारा काम नहीं चलता है, आपको जनता के बीच में मौजूद भी रहना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम काम नहीं करवा पा रहे, और ये बात आप तब तो कतई नहीं कह सकते जब पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, जब पिछले दस वर्षों से केंद्र में आपकी सरकार है, जब प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक आपकी पार्टी का है, जब आपके पास जिला पंचायत, आपके पास क्षेत्र पंचायत, आपके पास नगर निगम, आपके पास नगर पालिका, आपके पास दवाखाना डाकखाना सब आपके पास है, तब आप ये नहीं कह सकते कि हम काम कराने में अक्षम, हम काम नहीं करा पा रहे। अनुराग शर्मा वही नाराजगी झेल रहे। देखिए झांसी बड़ी परिवर्तनशील सीट है, यहाँ के लोगों के मिजाज को बुंदेलखंड, 100 डंडी एक बुंदेलखंडी जो कहावत कही गई बुंदेलखंड के बारे में, प्रदीप जैन आदित्य जो है झांसी का एक पुराना नेता, एक पुराना नाम, लोगों के बीच में घुले मिले हुए, लोगों के बीच में मिलने जुलने वाले नेता हैं, और अब उनके साथ अच्छा क्या हुआ, पहले तो वो कांग्रेस से चुनाव जीते थे, अब उनके साथ अच्छा क्या हुआ, अच्छा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी का उनको सपोर्ट यहां पर मिल गया, और ये कई सीटों पर अच्छा हुआ है। देखिए समाजवादी पार्टी का वोटर जो है, समाजवादी पार्टी का सपोर्टर जो है, बड़ा डेडिकेटेड है, अपने नेता के इशारे पर उसका समर्पण अलग ही होता है। तो झांसी की सीट में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि प्रदीप जैन जीत रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रदीप जैन ने कड़ा मुकाबला दे रखा है, कड़ा मुकाबला है। ठीक है, अगली सीट पर चलते हैं। कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है झांसी की लोकसभा सीट पर अनुराग शर्मा और प्रदीप जैन के सामने। 14 की 14 लोकसभा सीटें जितनी आज हम लोग दिखा रहे हैं उसमें सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। अगली सीट लगाइए पीसीआर, बहुत ज्यादा समय ना लीजिए, जल्दी से अगली सीट लगाइए कि अगली सीट जालौन आ गई है। भानु प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से, नारायण दास अहिरवार समाजवादी पार्टी से, और सुरेश चंद गौतम बीएसपी से हैं। तो भानु प्रताप सिंह क्या इस बार फिर से कमाल करते हुए दिखाई देंगे क्या, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या कहता है जालौन का समीकरण चंद्रकांत आपकी नजरों से? देखिए भानु प्रताप सिंह वर्मा यहां जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इधर समाजवादी पार्टी के नारायण दास अहिरवार, देखिए ये तीनों चेहरे वो हैं जो बहुत ज्यादा सियासत में बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है। भानु प्रताप सिंह जरूर सांसद जरूर हैं, भानु प्रताप सिंह वर्मा सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा चर्चा इस सीट की है नहीं। और इस सीट पर आप ये मानिए कि नारायण दास अहिरवार तो हैं, सुरेश चंद गौतम भी, क्योंकि दलित बिरादरी का जो वोट यहाँ पर इस सीट पर है, जालौन की उरई जालौन की जो ये सीट है, यहाँ पर टकराव यहाँ पर तीनों में दिखा। ये एक सीट आप इस चरण की शायद इकलौती मान सकते हैं जहां पर ट्रायंगल बना है, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना है। अच्छा, और इस त्रिकोणीय गौतम साहब भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल, तो इस सीट में क्या समीकरण बनेंगे, क्या मुकाबला होगा, क्या किसके फेवर में जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लड़ाई त्रिकोणीय है, और जब लड़ाई त्रिकोणीय हो जाती है तो उसका फायदा जो होता है वो मिडिल मैन ले जाता है। तो अगर मिडिल मैन ये फायदा लेगा तो आप ये मानिए कि नारायण दास अहिरवार के लिए
सीट ठीक है एज है। आप हाँ अब लेकिन क्या है कि नारायण दास अहिरवार की बहुत ज्यादा चर्चा चुनाव में रही नहीं, लोग यहाँ पर भानु प्रताप सिंह और सुरेश चंद्र गौतम की ज्यादा चर्चा करते रहे। बड़ी अप्रत्याशित सी सीट है जालौन, त्रिकोणीय संघर्ष है। अब त्रिकोणीय संघर्ष में किसका फायदा होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है जालौन की सीट पर। आगे बढ़ते हैं, अगली सीट लगाइए जल्दी से, हमीरपुर की सीट लोकसभा सीट है और अजेंद्र सिंह राजपूत इंडिया गठबंधन से हैं, पुष्पेंद्र चंदेल भारतीय जनता पार्टी से हैं और निर्दोष दीक्षित बीएसपी से हैं। हमीरपुर क्या कहता है यहाँ पर चंद्रकांत, पुष्पेंद्र चंदेल भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। बड़ी रोचक सीट है, अभी दोपहर में ही इस सीट पर मैं मेरी एक पत्रकार के साथ चर्चा हो रही थी, मैं जब दूसरी चर्चा में था तो उनसे मेरी इस बात इस सीट पर चर्चा हुई, वो वहां के लोकल पत्रकार थे, हमीरपुर के स्थानीय पत्रकार थे, तो उन्होंने बताया कि पुष्पेंद्र चंदेल वही चीजें देखिए, एक आपको बयान याद होगा राजा भैया का, शायद उन्होंने कहा था कि इस चुनाव में प्रत्याशियों की अलोकप्रियता काफी भारी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये उन नेताओं में है कि हम तो मोदी जी के नाम पर जीतेंगे, 14 भी जीते हम, 19 भी जीते तो हम मोदी जी के नाम पर जीतेंगे, काम मोदी जी का, नाम मोदी जी का, चेहरा मोदी जी का, सब मोदी जी का, हम बस प्रत्याशी हैं। जो पुष्पेंद्र चंदेल उसी स्टाइल के प्रत्याशी हैं, लेकिन क्योंकि हमीरपुर की सीट पर अखिलेश ने ओबीसी कार्ड चल दिया, अखिलेश ने ओबीसी बिरादरी से आने वाले अजेंद्र सिंह को मैदान में उतार दिया। अब मायावती ने जो यहाँ प्रत्याशी उतारा, अब देखिए कितनी लड़ाई रोचक, मायावती ने उतारा ब्राह्मण, अब ब्राह्मण वोट कटेगा भारतीय जनता पार्टी का, बिल्कुल नुकसान करेगा। इधर लोधी प्रत्याशी उतरने से जो हमीरपुर में लोधी वोट भाजपा का है वो वहां से कटेगा। तो दोनों जातियों के वोटर्स मिलकर नुकसान कर रहे हैं पुष्पेंद्र चंदेल का, और क्योंकि ठाकुर प्रत्याशी हैं तो ब्राह्मण भी वोट देने में बड़ा संकोच करेंगे इस सीट पर। यानी 2-3 जातियां तो इनसे ऐसे ही कट रही, और प्लस मायावती के साथ दलित तो जाएगा ही जाएगा, नहीं पूरा पूरा जाएगा, कुछ ना कुछ तो दलित जाएगा ना, बिल्कुल बड़ा हिस्सा जाता है। तो वो इस सीट पर आप अजेंद्र सिंह राजपूत को एज में रखिए, बिल्कुल प्लस में। अच्छा बिल्कुल, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जो है समीकरण समझाने की कोशिश की है हमीरपुर की सीट पे, इसीलिए हम लोग चंद्रकांत के साथ बैठते हैं और वो हर एक सीट का इतना अच्छा विश्लेषण करते हैं कि एक एक चीज समझ में आती है, जातीय समीकरण से लेकर जो प्रत्याशी हैं व्यक्तिगत तौर पर कैसे हैं वो भी वो बताने की कोशिश करते हैं। अगली सीट लगाइए पीसीआर जल्दी से, अगली सीट कौन सी आ रही है हमारे सामने, चूंकि बुंदेलखंड की सीट बांदा, देखिए बांदा आ गई है, आरके सिंह पटेल और शिवशंकर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से हैं, शिवशंकर और आरके सिंह पटेल बीजेपी से, मयंक द्विवेदी यहां भी ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है बीएसपी ने। ये पटेल यहां पर उतारना, पटेल वहां पर पूरा जातीय समीकरण सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा गया है क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए अनुज जी, बांदा की सीट बड़ी प्रभावशाली है, यहाँ पर जो कुर्मी वोटर्स हैं बड़े निर्णायक है। आपको याद होंगे ददुआ का पूरा परिवार, उनके जो भाई थे बाल कुमार पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सांसद से लेकर विधायक से लेकर वहां होता वही था जिसे ददुआ का परिवार चाहता था। और आरके सिंह पटेल और शिवशंकर पटेल दोनों एक ही जाति से आते हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि दोनों एक ही जाति से आते हैं तो मयंक द्विवेदी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बांदा के बारे में कहावत बड़ी मशहूर है कि बांदा के लोग ना बाएं देखते हैं ना दाएं देखते हैं, वो बीच में देखते हैं, अब बीच में शिवशंकर सिंह पटेल हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, मैं आपको बताऊं कि मयंक द्विवेदी ब्राह्मण समाज के वोट लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, मिलेगा उनको ब्राह्मण समाज का वोट। लेकिन शिवशंकर सिंह, अब यहां पे भी क्या है, यहां देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो आप हर उस सीट पर मानिए जहां भाजपा का सांसद है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है कहीं बहुत ज्यादा है। अब आरके सिंह पटेल शिवशंकर सिंह पटेल में क्या, शिवशंकर सिंह पटेल नया चेहरा, शिवशंकर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी, और ये वो सीट है, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, ये वो सीट है जहां पर कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी का प्रभाव है, बिल्कुल उनके प्रभाव वाला जिला है ये, बसपा सरकार में मंत्री थे वो, उनका प्रभाव है, वो कांग्रेस में है तो उनका भी फायदा मिलेगा, मुस्लिम वोट यानी कि झोली भर के मिलेगा यहाँ पर, बिल्कुल जो थोड़ा बहुत सपा से नाराज भी होगा वो नसीमुद्दीन के चेहरे पर यहाँ आ जाएगा, हाँ, वो कवर हो जाएगा। शिवशंकर सिंह पटेल को कुर्मी यादव मुस्लिम तीन समीकरण तो फिट बैठते हैं, और कुर्मी वोट जितना काटेंगे वो काटेंगे बीजेपी का, तो बांदा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाने वाली, ये समाजवादी पार्टी के खाते की सीट है, और मयंक द्विवेदी ने यहाँ चुनाव लड़कर भाजपा का ब्राह्मण वोट और काट दिया है। तो मयंक आपका यहाँ पर चंद्रकांत आपका विश्लेषण सुन के तो मुझे ये लग रहा है
कि बुरी स्थिति हो रही है इस बार, तो कहीं पर नहीं, बुरी आपको नहीं हो रही, भाई नहीं, 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 नहीं। 50-50 लग रहा है, कहीं कांटे की टक्कर दिख रही है। हाँ, मैं और क्या कह रहा हूँ, बीजेपी बीजेपी के सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी आप बता रहे हैं, बची कुची कसर मायावती ने पूरी कर दी है ब्राह्मण वोट प्रत्याशी उतार कर, तो ये स्थिति तो बड़ी अजीब सी लग रही है। हाँ नहीं बोलिए। स्थिति स्थिति इतना बुरी नहीं है, स्थिति बहुत बुरी है, और स्थिति अजीब भी नहीं, स्थिति अजीबोगरीब। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब जो चुनाव है वो पूर्वांचल शिफ्ट हो रहा है अनुज जी, और जो सेंट्रल यूपी का चुनाव था ये निपट गया है, निपट और गया। बड़ी बड़ी कड़ी टक्करों वाला चुनाव रहा है। लेकिन जो उम्मीद पांचवें चरण के चुनाव से थी कि पांचवें चरण में मतदान कुछ ऐसा होगा कि लोगों का उत्साह दिखेगा, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बांदा की सीट पर जो मुकाबला हुआ, यहां सपा प्लस में है, पूरी ताकत से प्लस में है। ठीक है, अगली सीट लगाइए पीसीआर जल्दी से। अगली सीट कौन सी आ रही है हमारे सामने? अगली सीट आ रही है फतेहपुर, बहुत रोचक सीट है। नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी हटाया गया उनको, और निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। डॉक्टर सचान जो है बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल के लिए ये सीट जीतना बड़ी साख का सवाल है। चंद्रकांत, आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और आप अगर सीट ना निकाल पाए तो आपके ऊपर उंगली उठना लाजमी होगा, क्या कहते हैं? देखिए अनुज जी, क्या है कि साध्वी निरंजन ज्योति जो है, 2 बार से यहाँ की सांसद हैं, मंत्री भी रही हैं मोदी सरकार में, और जाहिर सी बात है मंत्री रही हैं, पूरे प्रदेश का दौरा किया है। अब फतेहपुर की सीट अभी तक कोई चर्चा नहीं थी अभी तक इस चुनाव में, लेकिन अखिलेश यादव ने अचानक ये फैसला लिया कि नरेश उत्तम पटेल को यहाँ टिकट दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। अब नरेश उत्तम पटेल भी आते हैं कुर्मी बिरादरी से, बीएसपी के प्रत्याशी जो है वो भी कुर्मी बिरादरी से, आप ये देखिए मनीष सचान, दोनों कुर्मी बिरादरी से आते हैं। लेकिन नरेश उत्तम पटेल क्योंकि विधान परिषद के भी सदस्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के, आज के नेता नहीं, पुराने नेता हैं। और साथ और आप अभी एक फैक्टर की बात कर रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी। हाँ एंटी इनकम्बेंसी अगर आपको पता करनी हो तो फतेहपुर में पता करिए, अच्छा जबरदस्त, मतलब जिसको आप कह सकते हैं जो एंटी इनकम्बेंसी जहां पर ओवरफ्लो हो रही है, वो ओहो सीट है फतेहपुर। लेकिन 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 मैं फिर भी कहूंगा कि इस सीट को आप जीते और हारे की श्रेणी में नहीं रख सकते। अच्छा हाँ, क्योंकि मनीष सचान भी यहाँ पर उसी बिरादरी से हैं जिस बिरादरी से नरेश उत्तम पटेल, तो हाँ इस वजह से यहाँ पर की जो लड़ाई है ये बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की है। मनीष सचान नुकसान तो कर रहे हैं, लेकिन मनीष सचान दोनों का नुकसान कर रहे हैं, सिर्फ एक का नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसको 50-50 की स्थिति में रखिए। ठीक है, 50-50 हो गई फतेहपुर की। अगली सीट लगाइए पीसीआर जल्दी से। अगली सीट कौन सी आ रही है हमारे सामने, जल्दी से नजर डालते। कौशाम्बी बहुत इंटरेस्टिंग सीट बन गई है, जब से राजा भैया की चर्चाएं हो रही है। चंद्रकांत, पुष्पेंद्र सरोज अभी हाल ही में 25 साल के शायद हुए हैं और चुनाव लड़ने योग्य हुए हैं, उनकी उम्र हुई है और तुरंत उनको टिकट मिल गया। इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, विनोद सोनकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, शुभ नारायण बीएसपी से हैं। कैसे देखा जाए राजा भैया का, खुले तौर पर तो उन्होंने अपने मुंह से समर्थन नहीं किया, लेकिन ग्राउंड पर तो देखने को मिल रहा था कि उनके जो समर्थक थे वो सपा के प्रत्याशी के कैंपेनिंग में जाकर नारे लगा रहे थे, कैसे देखें? 4 तारीख को पुष्पेंद्र सरोज के नाम के आगे सांसद लिख दीजिएगा अनुज जी, इतना कॉन्फिडेंट हैं आप? बिल्कुल। मैं ये गणित मैं कई बार समझा चुका हूं अनुज जी, कौशाम्बी का गणित कुछ ऐसा है कि पिछले चुनाव में राजा भैया की पार्टी 1.5 लाख वोट पाई थी, और हाँ अभी तक तो आपने ये सुना था कि राजा भैया की पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, पुष्पेंद्र सरोज के प्रचार कर रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं। आज सुबह वोट देने के बाद राजा भैया ने क्या कहा, आज सुबह वोट देने के बाद राजा भैया ने कहा कि कौशाम्बी के मौजूदा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद से लोगों में नाराजगी है, लोग यहां पर गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी है, बड़ी नाराजगी बात है, है। ये बात राजा भैया बोल रहे हैं। तो तो ये फिर बड़ी आप बात है। सोचिए ना, ये सीट तो मैं क्लियर करा, आप ये सीट क्लियर रखिए, समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट गई जा रही है पक्का। अनुप्रिया पक्का। पटेल ने भी बड़ा जोर लगाया कौशाम्बी में अनुप्रिया पहुंचकर। पटेल ने, अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दे दिया उसके बाद ही से तो सब खेल बदल गया। राजा भैया के जो समर्थक अभी तक इधर उधर बट भी रहे थे थोड़ा बहुत अपने मन से, वो अब और एकजुट हो गए राजा के साथ। तो अनुप्रिया पटेल ने छेड़ दिया क्या कौशाम्बी में जाकर? देखिए राजा भैया के खिलाफ जब जब टिप्पणियां होती हैं,
राजा भैया के समर्थकों को आप मानिए कि बड़े टची हैं, बड़े दिल पे ले भावुक लेते हैं। हैं। हाँ, अपने अपने नेता को लेकर। तो आप ये मानिए कि कौशाम्बी की सीट मैं ये कह सकता हूं कि राजा भैया की वजह से विनोद सोनकर यहां चुनाव हार जाए। और एक बयान भी तो आया था, कुंडा और बाबागंज दोनों छीन लेंगे। तो ऐसे ही छीन लेंगे आप कुंडा बाबागंज 2019 में। कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभा सीटों पर लोकसभा के चुनाव में अनुज जी राजा भैया की पार्टी जीती थी। तो इस बात को आप कैसे भूल जाएंगे? उस 1,56,000 वोट को आप कैसे भूल जाएंगे? 38,000 वोट सही तो यहाँ पर पूरा जीत हार का खेल हो गया था। तो राजा भैया तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पुष्पेंद्र सरूथ वहां चुनाव जीत रहे हैं। तो कौशाम्बी, प्रयागराज और प्रतापगढ़ तीनों पर असर पड़ना चाहिए फिर तो। कौशाम्बी तो आपने पड़ेगा बता दिया। पड़ेगा पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा, चुनाव आने दीजिए, पड़ेगा असर पड़ेगा। कौशाम्बी में दिख गया है और वहां भी दिखेगा। ठीक है, अगली सीट लगाइए पीसीआर जल्दी से। कौन सी अगली सीट है उस पर हम बातचीत करेंगे। लखनऊ से बहुत पास में है बाराबंकी, जहां से तनुज पुनिया, पीएल पुनिया के बेटे हैं कांग्रेस पार्टी से, राजनारी रावत हैं भारतीय जनता पार्टी से। टिकट किसी और को मिला था लेकिन बाद में बदल गया, शिव कुमार दोहरे बीएसपी से। अनुज जी इसका एनालिसिस तो सबसे शुरुआत में ही किया था, बाराबंकी का पहली सीट यही थी जिसका एनालिसिस किया था। बम्पर वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है अगर बाकी जगहों से मिलाए तो। हाँ, हालांकि फ्लो चार्ट में नहीं थी उस समय ये सीट, लेकिन बाराबंकी में हुआ क्या है, ये देखिए 64.86% बाराबंकी में सबसे ज्यादा 64.86, और ये बढ़ेगा मेरे ख्याल से 70 के आसपास पहुंच जाएगा। हाँ, पहुंच जाएगा। लेकिन बाराबंकी में तनुज पुनिया, क्योंकि पिछला चुनाव भी लड़े थे और उनके पिता जो है पीएल पुनिया, वो बाराबंकी के लिए कोई वैसा नाम नहीं, बड़ा लोगों के बीच में घुला मिला नाम है। राजरानी रावत एक नया चेहरे के तौर पर आई, और आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी का जो लोकल लोकल पार्टी संगठन है, वही इनको चुनाव नहीं लड़ा रहा था। अच्छा भाई, दो 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 सांसद जिस प्रत्याशी से नाराज हो, मैंने प्रियंका रावत को बाराबंकी में प्रचार करते नहीं देखा है राजरानी रावत के लिए। आप सोच सकते हैं, सांसद रही है 2014 की, बड़ी नेता है उत्तर प्रदेश में भाजपा की, प्रचार करने नहीं गई बाराबंकी में। उपेंद्र रावत आपको दिखे नहीं होंगे कहीं। तो आप सोचिए बाराबंकी में कैसे चुनाव होगा। और फिर तनुज पुनिया के साथ कौन खड़ा है? अरविंद सिंह गोप जैसा कद्दावर नेता। समाजवादी पार्टी में अरविंद सिंह गोप का एक कद है। अभी अभी मेरी बाराबंकी की एक महिला पत्रकार है, उनसे बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या है। वो बाराबंकी की रहने वाली है, लखनऊ रहती है, बाराबंकी वोट डाल अपना वोट कास्ट करने गई थी। उन्होंने कहा कि चंद्रकांत जी, बड़ा माहौल बदला हुआ सा है, लोग बाहर तो कुछ बोल रहे हैं, अंदर अपने मन की कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर एक नाराजगी देखने को मिल रही है बाराबंकी की सीट पर। अभी नाराजगी अनुज जी किससे होगी? अब उपेंद्र रावत ने जो कुछ किया होगा, अच्छा बुरा, वो भी राजरानी रावत के माथे आएगा इस चुनाव में। और आ चुका होगा, वोटिंग हो चुकी है, और जितनी ज्यादा मतदान हुआ है वो भी ये बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगली सीट लगाइए, अगली सीट देखते हैं कौन सी है। ये बाराबंकी का विश्लेषण बताते हुए चंद्रकांत, और अब अगली सीट पर ये देखिए आप, देश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट है, लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी से, सच्चिदानंद पांडे ब्राह्मण प्रत्याशी बीएसपी ने दिया है फैजाबाद लोकसभा सीट पर। अवधेश प्रसाद सीनियर लीडर हैं और कई बार के विधायक रह चुके हैं अखिलेश यादव के साथ, विधानसभा में ठीक बगल वाली सीट पर बैठते हैं। और अभी उनके जब मंच पर अखिलेश यादव पहुंचे थे तो चुटकी भी ली थी अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद से, और कह दिया था कि पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद जी। तो अवधेश प्रसाद जी ने कहा कि मैं तो वर्तमान विधायक हूं, तो वो कह रहे हैं कि अब सांसद बनने वाले हो, इसलिए पूर्व विधायक बोला है। तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है अयोध्या में, चंद्रकांत कैसे देखा जाए? अवधेश प्रसाद और लल्लू सिंह में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। सच्चिदानंद पांडे के बीएसपी से चुनाव लड़ने की वजह से ऐसा हुआ है कि सच्चिदानंद, देखिए अयोध्या क्या है, सनातन और संस्कृति का बड़ा केंद्र है, ब्राह्मण वोटर्स का बड़ा केंद्र है। तो यहाँ हुआ क्या है कि सच्चिदानंद पांडे के चुनाव लड़ने की वजह से वो वोटर्स बहुत हद तक सच्चिदानंद पांडे के साथ गया है, और सच्चिदानंद पांडे धनाढ्य नेता है, मतलब धन बल से काफी मजबूत नेता है, तो इसका भी फायदा उनको यहाँ पर मिला है। लेकिन अवधेश प्रसाद जिस बिरादरी से आते हैं, दलित बिरादरी से, उस बिरादरी का फायदा भी अवधेश प्रसाद को मिल रहा है। लल्लू सिंह पुराने सांसद हैं, अयोध्या के लंबे वक्त से सांसद हैं। तो अब यहां पर हुआ क्या है अनुज जी, जितना मैं इस सीट को समझ पा रहा हूं,
कि इस सीट पर नेक टू नेक फाइट है, इसको आप कहते हैं ना कांटे की टक्कर है। फैजाबाद सीट पर आप बता रहे हैं फाइट है, जहां पर राम मंदिर का मुद्दा इतना ज्यादा वहीं से उठा है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। पानी का फवारा कभी आपने देखा होगा, जो लगता है जब वो पानी फेंकता है तो दूर दूर जाकर जो पानी गिरता है वो तो बहुत ज्यादा गीला करता है, लेकिन जिस जगह से पानी निकलता है वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप समझ रहे हैं, जो केंद्र है जिस जगह का वहां पर तमाम मुद्दे और भी हावी हैं। क्या वहां पर यह मुद्दे हावी नहीं कि तमाम दुकानें तोड़ी गई हैं? क्या वहां पर यह मुद्दे हावी नहीं कि जमीनें औने पौने दाम पे खरीदी गई हैं? क्या वहां पर यह मुद्दे हावी नहीं हो रहे कि बाहरी लोग आकर के वहां पर बिजनेस सेटल कर रहे हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं? ये मुद्दे हैं या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राम मंदिर बना, राम मंदिर आस्था का विषय है, बना बहुत सुंदर, बना और सुंदर बने, ये हर किसी की इच्छा है, लेकिन अयोध्या के लोकल लोगों के साथ क्या हो रहा है? तो वो नाराजगी आप कह रहे हैं उसका उसका फायदा अवधेश प्रसाद को मिलता हुआ दिखाई देगा, और अगर कहीं अवधेश प्रसाद ने कोई खेल कर दिया या अपने पाले में ये सीट ले आए तो ये भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा अच्छे संकेत नहीं होंगे राजनीतिक तौर पर देखें तो। अब बिल्कुल, अगर अयोध्या में कुछ हुआ, ठीक है, सरकार बनना ना बनना, चुनाव जीतना हारना दूसरी जगह है, लेकिन वही 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 हाँ अयोध्या में अगर ऐसा कुछ हुआ तो बड़ा संदेश बुरा जाएगा अनुज जी, और आज के लिए नहीं, आज के लिए नहीं, आने वाले वक्त के लिए, आने वाले चुनावों के लिए भी। लेकिन अभी आप ये मानिए नेक टू नेक फाइट है, मैं जीते हारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन नेक टू नेक फाइट है। नहीं, अब कयास है और विश्लेषण है, हम लोग भी कयासी लगा सकते हैं भाई, जीत होती है तो क्या संदेश जाएगा, हार होती है तो क्या संदेश जाएगा, उस पर हम बातचीत कर सकते हैं, और यही है विश्लेषण। अगली सीट लगाई, दो सीटें चंद्रकांत बची हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सीटें बची हुई हैं जिस पर जिसका विश्लेषण लोग सुनना भी चाहेंगे और आप करना भी चाहेंगे। कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह, करण भूषण सिंह उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी से, राम भगत मिश्रा सपा से, नरेंद्र पांडे बीएसपी से। क्या लग रहा है वो जो महिला पहलवानों वाला जो मुद्दा था वो क्या इस चुनाव में देखने को मिला होगा, उसको ध्यान में रख के वोट किया होगा लोगों ने, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा है, जो प्रभाव है अपने क्षेत्र में, वो हावी होता दिखाई दिया होगा? नहीं देखिए, कैसरगंज की सीट पर बहुत ज्यादा गुणागणित है नहीं अनुज जी, कैसरगंज वाकई में आप ये मानिए, देखिए पहलवानों के आरोप, वो राजनीति, वो मुकदमे, वो एक अलग बात है, लेकिन कैसरगंज वाकई ब्रजभूषण के दबदबे वाली सीट है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और कैसरगंज में वो ब्रजभूषण वो व्यक्ति हैं जो 6 बार सांसद बने हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कैसरगंज से ही सांसद बने हैं, उनको मैं क्लियर कर दूं कि कैसरगंज से वो 2 बार सांसद बने हैं, 2 बार गोंडा, 2 बार ये गोंडा से सांसद बने हैं, और इधर आपकी श्रावस्ती से 1 बार सांसद बने, अलग अलग सीटों से ब्रजभूषण सांसद बने, 1 बार उनकी पत्नी सांसद बनी है 1996 में, अभी उनके बेटे विधायक हैं, और राजनीतिक रसूख ब्रजभूषण सिंह का है वो बताने की जरूरत नहीं। लेकिन करण भूषण वहां अच्छा चुनाव लड़े, करण भूषण यहाँ चुनाव जीत कराएंगे। कैसरगंज की सीट आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में रखिए, जैसे मैंने लखनऊ की सीट आपको बताई, वैसे ही करण भूषण भी यहाँ चुनाव जीत करके आएंगे। रीजन ये भी है कि जो सपा और बसपा के प्रत्याशी हैं दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों में आपस में वोटों का जबरदस्त बिखराव होगा, जबरदस्त वोट बटेंगे, और कैसरगंज की खासियत यह है कि यहाँ पर कई यादव और कई मुस्लिम ब्रजभूषण के परिवार से व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए हैं, तो उसका उसका फायदा मिलेगा ब्रजभूषण सिंह को और करण भूषण सिंह को, करण भूषण ये सिंह ये सीट जीत कराएंगे। बिल्कुल, आखिरी सीट लगाइए, आखिरी सीट मेरे ख्याल से गोंडा लोकसभा बची है और 13 सीटों का विश्लेषण हो गया, जल्दी से आखिरी सीट पर कौन है, क्योंकि यहाँ पर श्रेया वर्मा चुनावी मैदान में है और कीर्तिवर्धन सिंह भारतीय जनता पार्टी से, सौरभ बीएसपी से, जल्दी से गोंडा का विश्लेषण क्या कहता है चंद्रकांत, जल्दी से बताइए। ठीक बगल की सीट है और इस सीट पर, हाँ एक बार फिर से बताइए, संपर्क टूट गया था आपसे। हाँ मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे एनालिसिस की ये आखिरी सीट है, गोंडा की सीट कैसरगंज के बगल की सीट है, और ब्रजभूषण का प्रभाव इस क्षेत्र में भी है, लेकिन यहाँ आप बहुत कम लोगों को पता होगा या बहुत से दर्शक जानते भी होंगे कि कीर्तिवर्धन सिंह और ब्रजभूषण सिंह वर्सेस परिवार है, इन परिवारों में आपस में बनती नहीं है बिल्कुल। इनके जो कीर्तिवर्धन सिंह के जो पिता है राजा आनंद सिंह, वो भी इस इलाके के दबदबेदार रसूखदार नेता रहे हैं, और
तमाम राजनीतिक तौर पर बेहद, आर्थिक तौर पर बेहद मजबूत व्यक्ति हैं, लेकिन इस पूरी बेल्ट में अनुज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, ये जो पूरी बेल्ट है, इस बेल्ट में एक जमाने में बेनी प्रसाद वर्मा की तूती बोलती थी, सिक्का चलता था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी, बेहद करीबी, और श्रेया वर्मा उनकी ही पौत्री है। श्रेया वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री है, इनके पिता राकेश वर्मा भी मंत्री रहे हैं, कीर्तिवर्धन सिंह लगातार 2 बार से सांसद है इस सीट के, और जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इस सीट पर काम कर रहा है। श्रेया वर्मा एक नया चेहरा है, महिला है, युवा है, पढ़ी लिखी है, विदेश में पढ़ाई की है, और डिंपल यादव ने जब इनके लिए रोड शो किया था तो हजारों हजार की भीड़ सड़क पर इनके लिए थी, और श्रेया वर्मा बहुत हद तक उन्होंने टक्कर दी है। आप ये मान सकते हैं कि गोंडा की सीट इस बार आपको चौंका सकती है, समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, चौंका सकती है गोंडा की सीट भी। श्रेया वर्मा जो कि युवा हैं और वो कीर्तिवर्धन सिंह को कड़ी चुनौती दे रही हैं, ऐसा चंद्रकांत कह रहे हैं। नया चेहरा है, और कई बार लोग नए चेहरों पर भरोसा करते हैं, नए चेहरों पर यकीन करते हैं, और उसी वजह से ये इस नए चेहरे पर भरोसा हो सकता है जनता कर ले। कीर्तिवर्धन सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अनुचित है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते।